और आप डेल्टा लेके आइए, डेल्टा कॉप आपकी स्किन पे 193.90 और इंडिगो आपकी स्किन पर, आई मीन दो रोज तीन रोज पहले हार्डली अगर आप देखें, आई मीन दो रोज तीन रोज पहले एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपकी स्किन पे 1977 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष एक बार जरा डेल्टा का स्ट्रक्चर देखिएगा, डेल्टा का एक बहुत क्रिटिकल बेस है 22 जुलाई से लेकर अब तक वो करीब 191 के जोन में फ्लोट करता है, बिलो 191 166 का जोन खुल जाएगा, डेल्टा पे आपका टेक? बिल्कुल सही कहा आपने वीरेंद्र, क्योंकि एक तो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है और ये एक इम्पोर्टेंट बेस को ब्रीच करता है 190 के नीचे। अगर से बेस ब्रीच हो जाता है 190 के नीचे का, तो जो डाउनसाइड है वो कम से कम 168-170 के जोन में जाती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से एक वीक स्ट्रक्चर है, और आप लॉन्ग है तो 190 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 190 के नीचे जाते ही एक अच्छा खासा ड्रॉ डाउन इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। डेल्टा कॉप 7% नीचे इस समय, 2.193 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली आज गिन चुनकर स्टॉक्स ही हैं जहां पर कुछ ट्रेड बना है, वरना एक तरफा आप देखिए मैं एफएनओ का पूरा पैक देख रही हूं। इंडिया बुल हाउसिंग 8% नीचे, इंडिया सीमेंट 7.5% नीचे, डेल्टा कॉप जिसका भी अभी जिक्र कर रहे थे 7% नीचे, IDFC फर्स्ट, चंबल, अमर राजा, PNB लिस्ट एकदम लंबी है और इसमें तेजी वाले ट्रेड्स गिन के 1, 2, 3, 4, 10 होंगे और वो भी टाइटन एकदम फ्लैट। तो ये है मार्केट का हाल। अब थोड़ा सा आगे की सोचते हैं, अगला साल और उससे अगले साल की बात करते हैं। वैसे भी हम 2023 की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब बात होगी 2024 की, क्योंकि 2024 इंपॉर्टेंट इसीलिए रहेगा मार्केट के लिए, चुनाव वाला साल रहेगा ये, और उससे पहले सीमेंट की डिमांड अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करते हैं, शायद आपको मौके मिले, और उसी लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अब यतिन हमारे साथ है जो बताएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या स्टोरी पक रही है, बताइए। तो देखिए हर्षदा, जहां तक